और अज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परवाणू पहुंचे जिथे उन्होंने इंडस्ट्रियल एसोसीएशन के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जी मीडिया नाल भी खास गलबात की। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। सर, सबसे पहले बद्दी पहुंचे हैं, परवाणू पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है और क्या बड़ी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे की? देखिए, खासतौर से आज तो मेरा डॉक्टर राजीव सैजल जी के विधानसभा क्षेत्र का दौरा था। लगभग 220 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन हमने यहाँ पर किए हैं। कुल मिलाकर के 20 उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं और जहाँ तक आज परवाणू की बात है, यहाँ परवाणू में विशेष रूप से आज यहाँ हमारा आना हुआ है। PIA का एक छोटा सा यहाँ पर ऑफिस बनाया है जहाँ मिलकर के सारा हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारी जो टीम, जो इंडस्ट्री की यहाँ की जो टीम है, जो सामाजिक सरोकार से संबंधित भी विषयों पर चर्चा करती है, बात करती है और अपने कामकाज से संबंधित भी जो विषय होते हैं सरकार के साथ टेकअप करने के, उन सारे से इसमें बातचीत करते हैं। विधिवत इनके उस कार्यालय की, ऑफिस की जो आज इनॉग्रेशन हुई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि परवाणू एक ऐसा स्थान है जो हमारे हिमाचल का एक तरह का, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है हिमाचल प्रदेश की। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करने वाले हमारे जब साथी यहाँ शुरुआत करने के लिए यहाँ पहुँचे तो एक बेहतरीन शुरुआत हुई है और वो शुरुआत आगे बढ़ी है। आने वाले समय में हमारा एक टारगेट है कि यहाँ परवाणू में जो हमारी इंडस्ट्री है उसको सहयोग की दृष्टि से हम सरकार की ओर से और क्या मदद कर सकते हैं, और इसकी एक्सपेंशन जो महत्वपूर्ण लगती है हमको आने वाले समय में, उसको करने के लिए हमने यहाँ पर ज़मीन तलाशने का एक काम शुरू किया है। उसको लगभग वो तय हो गया है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर आएँ। एक तरफ इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है, दूसरी तरफ किसानों की बात की जाती है। उत्तरी हिमाचल में कल ओलावृष्टि हुई, उसके चलते काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है, उसके लिए हिमाचल सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और जिस पर किसी का बस नहीं होता है। नुकसान हुआ है, कुछ जगह ज़्यादा हुआ है, कुछ जगह कम नुकसान हुआ है और ऐसी सूरत में इसके आकलन के लिए, इसकी असेसमेंट के लिए हमने आदेश दे दिए हैं कि तुरंत इसका असेसमेंट लिया जाए ताकि केंद्र सरकार के समक्ष हम अपना पक्ष रख सकें। जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है किसानों को, बागवानों को, उसमें केंद्र से भी मदद मिल सके और प्रदेश सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उन सारी चीज़ों का असेसमेंट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सीएम साहब, एक सवाल है, क्योंकि इस वक्त दौरे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी दौरा जो है वो जानकारी मिल रही है कि वो जल्द होने जा रहा है और तीसरा दौरा होगा भाजपा अध्यक्ष का, उस बारे में क्या जानकारी? तो ये दौरे तो होते ही रहेंगे स्वाभाविक रूप से, चुनाव का वर्ष है इस बार और हम तो चाहेंगे हमारे केंद्र का नेतृत्व तो हिमाचल की तरफ आए और हिमाचल में आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारा हौसला बढ़ाए और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिला, जो मदद मिली है, स्वाभाविक रूप से वो मदद आने वाले लंबे समय तक हमारी ज़रूरत है और ऐसे में उनका बार बार आना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हिमाचल के विकास के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ फसम वर्मा, जी मीडिया।